खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस के हाथ एसबीआई के एटीएम काट कर कैश लूटने वाली गैंग का मुख्य सदस्य लगा है। इसी बदमाश ने मेवात की इंटरस्टेट गैंग को वारदात के लिए ग्वालियर मुरैना में बुलाया था। यहां वारदात की प्लानिंग से लेकर रैकी तक इसी ने की थी। इसे पुलिस ने धौलपुर के पास से पकड़ा है। दिल्ली पुलिस भी उसकी घेराबंदी किए हुए थी, लेकिन इस बार ग्वालियर पुलिस ने बाजी मार ली। पर इस बदमाश ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया कि मेवती गैंग के टारगेट पर सिर्फ एसबीआई के एटीएम हुआ करते थे। गैंग को पता था कि एसबीआई के एटीएम में सिंगल कोड मेटल रहता है, उन्हें काटने में 15 से 18 मिनट लगते थे, जबकि अन्य प्राइवेट बैंक के एटीएम में डबल कोड मेटल रहती है, इसीलिए उन्हें काटने में 1.5 घंटा से भी ज्यादा लग जाता है। ग्वालियर मुरैना और अन्य स्थानों पर एटीएम काट कर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी यशवीर सिंह गुज्जर को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने धौलपुर में दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी से क्राइम ब्रांच ने 8 लाख रुपए बरामद किए हैं, साथ ही गैस कटर और सिलेंडर भी मिला है। इसके 2 साथियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले दबोचा था और 2 फरार साथियों की सूचना पर क्राइम ब्रांच उनकी तलाश में दबिश देने रवाना हो गई है। संभावना है कि शाम तक क्राइम ब्रांच इन्हें भी दबोच लेगी। आरोपी यशवीर को पकड़कर क्राइम ब्रांच की टीम लेकर आ रही थी, तभी दिल्ली पुलिस वहां पर यशवीर को पकड़ने पहुंची, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच उसे लेकर निकल चुकी थी और दिल्ली पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी तरह इस गिरोह के 2 अन्य सदस्य समीर सब्बा उर्फ सोहरभ को दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच के हरियाणा नूह मेवात पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में लूट में शामिल कमाल और शकील की लोकेशन क्राइम ब्रांच को मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें दबोचने के लिए पुलिस रवाना हो गई है। पुलिस अफसरों की माने तो जल्द ही शेष आरोपियों को क्राइम ब्रांच दबोच लेगी। इस मामले में एसएसपी ग्वालियर अमित सियांगी ने बताया कि एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को धौलपुर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है और पकड़े गए आरोपी से करीब 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। क्रेटा कार में फेक नंबर प्लेट लगा के ग्वालियर में इन्होंने एंट्री की थी और दूसरी फेक नंबर प्लेट लगा के यहाँ से एग्जिट किया था। 2 एटीएम यहाँ पे काटे थे, 1 एटीएम मुरैना में काटा था और 1 एटीएम दिल्ली में काटा था। सभी में कॉमन आरोपी थे और कॉमन कार थी। इसमें बहुत ही अच्छा काम करते हुए हमारी टीम ने इनको पकड़ा है। ये तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुका है, जहाँ पे इसकी मुलाकात ये जो मेवात के रहने वाले आरोपी हैं इनसे हुई थी। जो आरोपियों से सामने आई है कि एसबीआई की एटीएम काटना थोड़ा सा आसान रहता है इनकी मेटल के कारण, और जो दूसरे बैंक्स हैं उनकी एटीएम की मेटल हार्ड होने से या जो भी और उसमें कंपोजिशन हो मेटल का, उसमें टाइम लगता है, तो इस कारण से ये 10 से 15 मिनट में एटीएम कट जाता है और दूसरा जो एटीएम है उसे काटने में इनको 2-3 घंटे का समय लग रहता है। तो इस कारण से एसबीआई के एटीएम जो हैं ये चोरों के निशाने पे रहते हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।